धनबाद बीसीसीएल मुख्यालय पर पिछले 48 दिनों से धरना पर बैठे बीसीसीएल में अप्रेंटिस किए गए छात्र ने कहा, अब जान दे देंगे मगर रोजगार देकर उठेंगे। धनबाद के बीसीसीएल मुख्यालय पर पिछले 48 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे बीसीसीएल के अप्रेंटिस किए सैकड़ों छात्र से मिलने धनबाद जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह पहुंचे, जहां पर छात्रों की समस्याएं सुनी और निदान करने का भरोसा दिया। अशोक सिंह ने छात्रों को की समस्या सुनकर कहा कि केंद्र की संस्था बीसीसीएल में स्किल इंडिया के तहत हजारों छात्र अप्रेंटिस कराया गया था, अब सभी छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर बेरोजगार हो गए हैं। सैकड़ों छात्र रोजगार की मांग को लेकर यहां पर 48 दिनों से धरना दे रहे हैं और बीसीसीएल की जिम्मेवारी बनती है कि सभी छात्रों को रोजगार से जोड़े। वहीं अशोक सिंह ने कहा कि बीसीसीएल को ये निर्णय लेना होगा कि जो आउटसोर्सिंग के तहत कंपनी को 20% स्थानीय लोगों को रोजगार देती है, इसमें इन छात्रों को भी रोजगार से जोड़ा जाए, छात्रों के स्क्रीन के हिसाब से बीसीसीएल इन छात्रों को रोजगार दे। वहीं अशोक सिंह ने कहा कि छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में मैं खुद धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता के छात्र अपनी समस्या ज्ञापन के माध्यम से रखेंगे और छात्रों का समस्या का समाधान हो इसका प्रयास किया जाएगा। 20% वो स्थानीय लोगों को रोजगार देगी, तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल को एक नीतिगत निर्णय लेना होगा और उस नीतिगत निर्णय के तहत जो NIT है उसमें स्पष्ट कर देना होगा कि जो भी बीसीसीएल से अप्रेंटिस किए हुए लड़के हैं उनको जो 20% है उसमें उनकी बहाली अनिवार्य करना होगा। जिसका जो स्किल है उस स्किल के आधार पर जिस काम के लायक लोग हैं उसको उसमें काम दे, क्योंकि काम वही होना है, चाहे बीसीसीएल करती थी काम या आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है, काम वही होना है, कोयले खनन का ही काम करना है, मशीनें चलनी है, तो काम में कोई अंतर नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल अपने जिम्मेवारी से मुँह छुपा रहा है और अगर ये 48 दिन से यहाँ बैठे हैं और इस प्रण के साथ में बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगों पर बीसीसीएल कार्रवाई नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ में न्याय होना चाहिए। और मैं बीसीसीएल प्रबंधन से और जो CMD हैं उनसे ये मांग करता हूँ और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं जो ट्रेड यूनियन करते हैं जो आउटसोर्सिंग में जिनका दखल है वर्चस्व है, उन नेताओं से भी हमारी ये गुजारिश है कि ये स्थानीय बच्चे हैं, इसी झारखंड के हैं, माटी पुत्र हैं ये सारे, इनको कहीं ना कहीं समायोजन कराना चाहिए और सभी को मिल करके इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब मुझे इन लोगों ने बुलाया है, मैं क्या कर सकता हूँ अपने स्तर से, ये ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि इनकी मांगों को ऊपर तक पहुँचाऊँ और इनके जो समस्या है उसका निदान कराऊँ। मैंने इनसे कहा है कि जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं झारखंड सरकार में बन्ना गुप्ता जी, इनके नाम से एक ये लोग आवेदन बनाए।